तो आई थॉट कि अभी मेन चैनल पर सब कुछ अपलोड करते हैं सो दैट यू फाइंड एवरी थिंग एट वन प्लेस एंड इट्स ईजिया फॉर मी ऑल्सो टू एक्सेस एवरी थिंग एट वन प्लेस प्लस अपलोड एवरी थिंग एट वन प्लेस क्योंकि कभी मैं उस पर अपलोड कर देती थी कभी उसमें सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल बिकॉज आई एम वर्किंग नाउ एंड उतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे ऑनस्टली सो आई थॉट की एक ही चैनल पर लेट्स कीप एवरीथिंग So let's, let's uh, start with the uh, uh, puzzle 21 of uh, the logical based puzzle series and the question is that the circle of lights. So circle of lights hai, ye question is a question we have but before we jump on to the previous question that we did, we will discuss, discuss this particular question and uh, see the demands of this particular question. So there is a circle of n greater than 2 lights and a switch next to them.

हर लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर इज अ स्विच दैट इज़ ऑल्सो इन सर्कल ठीक है तो अब हमें क्या कर, बताया है कि ये लेट सपोज वन टू थ्री बल्ब हैं तो अगर ये बल्ब ऑफ पहले इनिशियली एवरीथिंग इज़ एन ऑफ स्टेट राइट तो ये ऑफ है ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है तो इसमें दिया हुआ है कि इफ़ आई टर्न ऑन द स्विच ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर बल्ब तो ये ऑन हो जाएगा एंड इसके एडजस्टन वाले भी ऑन हो जाएंगे तो अगर मैं किसी एक बल्ब के साथ छेड़छाड़ करती हूँ तो उसके एडजशन वाले भी उसका जो स्टेट है वो टॉगल हो जाएगा सो इफ़ दर्जस्ट वन आर ऑफ देकम ऑन एंड इफ दे आर ऑन दैन दे ऑफ इंक्लूडिंग द पोजिशन ऑफ द स्विच दैट आई एम टिंग तो अगर ये पर्टिकुलर स्विच पहले ऑफ था तो ये ऑन हो गया अगल बगल वालों को भी ऑन कर दिया एंड इफ इट इन इफ इन केस इट वॉज ऑफ इट वज ऑन इन द बिगनिंग दैन आस पास के सारे ऑफ या ऑन जो भी हैं मतलब टॉगल हो जाएगी जो स्टेट है उसकी आ, अगल बगल की भी एंड उसकी खुद की भी जो स्टेट है वो टॉगल हो जाएगी ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अगल बगल वाला ऑफ था एक ऑन था तो जैसे ही हम टॉगल करेंगे तो एक ऑन हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा तो ऐसे चीज़ें हैं समझ कर तो अब हमने ऐसा ही क्वेश्चन अपने ट्वेंटी पज़ल में किया था विच वॉज अ बिट डिफरेंट उसके अंदर क्या था कि देर वॉज अ सर्कल ऑफ टू थाउजेंड फोटीन लाइट एंड ओनली टू ऑफ दैम आर ऑन तो वो ऑन है ऑलरेडी दो एंड ऑफ सो एनी वन कैन चूज एनी ऑफ द बल्ब एंड चेंज द स्टेट ऑफ द नेबरिंग बल्ब टास्क इज टू स्विच ऑल स्विच ऑल द टू थाउजेंड फोटीन लाइट बल्ब ऑन तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये बल्ब है अब ये बल्ब है तो एनी वन कैन चूज एनी ऑफ द बल्ब एंड चेंज द स्टेट ऑफ द नेबरिंग बल्बस तो अगर ये फर्स्टली ऑफ हैं सारे ये ऑफ हैं ऑफ हैं ऑफ हैं तो इसमें क्या था कि अगर मैं इस पर्टिकुलर बल्ब को पकड़ती हूँ वन टू थ्री लिख देती हूँ इस बल्ब को पकड़ती हूँ तो अगल बगल के चेंज हो जाएंगे स्टेट बट वो खुद का स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा तो अगर उसको खुद का स्टेट चेंज करना है तो हमें कोई और मेथड देखना पड़ा तो हमने क्या किया चार के ग्रुप बना लिए अब चार के ग्रुप बना लिए कैसे तो ये चार का ग्रुप बना लिए फोर्थ है ये भी ऑफ है तो पहले हमने सेकेंड को पकड़ा ठीक है हमने सेकंड को पकड़ा तो सेकंड को पकड़ने के बाद ये ऑफ था जैसे ही सेकंड को हमने छेड़खानी की तो आसपास वाले ऑन हो गए एंड वो ऑफ ही था क्योंकि उसकी खुद की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी इन दिस पर्टिकुलर केस तो हमने चार के ग्रुप बनाए तो अब हमने क्या किया अब हमने थर्ड को पकड़ा अब थर्ड को पकड़ा तो थर्ड को जैसे ही पकड़ा तो उसके अगल बगल वाले जो थे वो ऑफ थे तो उनकी स्टेट ऑन हो गई एंड ये थर्ड वाला तो ऑलरेडी ऑन था और उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही बिकॉज इन दिस क्वेश्चन बीच वाले की स्टेट चेंज नहीं हो रही तो ये सारे बल्ब ऑन हो गए तो हमने चार चार के ग्रुप्स केस हमारा क्या है कि हमारे तीन -तीन के के में में काम हो जाएगा तीन -तीन अगर हम करेंगे तीन -तीन के में भी N greater than two दिया है वो तो ठीक है because N greater than two नहीं दिया होगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी बिकॉज फिर कैसे ही करोगे मतलब सेंस नहीं है ना uh, मतलब आपको कोई एल्गो डिफाइन करने का क्योंकि दो बल्ब हैं एक बल्ब ये ऑफ है ये भी ऑफ है इसने आपने चेंज किया स्टेट तो ये भी ऑन हो गया ये भी ऑन हो गया मतलब दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है ना इसमें कुछ भी तो इस वजह से एन ग्रेटर देन टू दिया हुआ है तो अब अब हमारा केस आता है कि हमने ये सोच लिया कि तीन के गुच्छे बनाते हैं तो हमारा अच्छे से आंसर आ जाएगा बट हमें अब क्या करना है इफ़ एन ग्रेटर इफ़ एन इज़ डिविजिबल बाय थ्री ये केस भी बनाना पड़ेगा इफ़ इट इज़ नॉट व्हाट इफ इट्स नॉट डिविजिबल बाय थ्री तो इफ़ एन इज डिविजिबल बाय थ्री तो क्यों ना केस ले लें हम छः बल्ब ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए मतलब प्रैक्टिकल करते हैं ना एक दो तीन एक दो तीन तो सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री राइट तो अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स को हम एन ले लेते हैं मतलब एन एन तो होता है ना इक्वल्स टू सिक्स तो वैसा है तो अब हमने क्या किया कि हमने फ़र्स्ट बल्ब को चूज़ किया ये इनिशियली एवरी बल्ब इज़ इन ऑफ स्टेट तो फर्स्ट बल्ब को चूज़ किया तो ये ऑन हो गया ये टू भी ऑन हो गया ये भी ऑन हो गया सिक्स पोजिशन वाला क्योंकि वो आस के और सर्कल है तो पिछले वाला और आगे वाला ऑन हो जाएगा प्लस अपने वाला भी ऑन हो जाएगा फिर हमने क्या फिक्स किया हमने फ़ोर को चूज़ कर लिया अब हमने फ़ोर पहले ऑफ़ था थ्री भी ऑफ था फाइव भी ऑफ था इसको चूज़ किया तो ये भी ऑन हो गया और इसके अगल बगल वाले भी ऑन हो गए तो आप देख रहे हो कि कितने हमने फ़्लिप्स किए हमने दो फ़्लिप किए मतलब दो बार हमने ये चीज़ें की जिससे हमारा आंसर आ गया तो दो कैसे आया सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री तो हमारा क्या होगा एन बाई टू टर्न्स में हमारा आंसर आ जाएगा एन बाई टू टर्न्स में हमारा आंसर आ गया तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ फ्लिप्स कितने करने पड़ेंगे एन बाई टू ये हमने ऑब्जर्वेशन से किया है राइट right? तो अगर आप कोई ए नाइन बल्ब ले लो तो उसका भी देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो अगर हमने नौ बल्बस ले लिए तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हमने फर्स्ट बल्ब चूज़ किया ये तीन ऑन हो गए फिर हमने फोर्थ को चूज़ किया तो ये तीन बल्बस ऑन हो गए फिर हमने सेवन्थ को चूज़ किया फिर ये तीन बल्बस ऑन हो गए तो एक बार मैं इसको कलरफुल बना लेती हूँ हमने अरे ये, ये क्या हो गया तो हमने वन सेकेंड तो हमने वन को चूज़ किया हमने फोर को चूज़ किया एंड हमने सेवन को चूज़ किया तो सपोज़ ये थ्री के प्लस वन है के को अगर जीरो रखेंगे तो वन हो गया के को वन रखेंगे तो हमारा फोर हो गया ठीक है के वन के ज़ीरो एंड अगर के को टू रखते हैं तो हमारा सेवन्थ बल्ब हो गया तो ये हमारे बल्ब हैं जिनको हमें चूज़ करना है फॉर गेटिंग द आंसर एंड वी सेड कि uh, हमारा ये सॉरी ये नाइन बाय थ्री है अगर आप सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री करोगे तभी टू आएगा ना सॉरी मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो गई थी तो दैट इज़ नाइन बाय थ्री टर्न्स में हमारा आंसर आ जाएगा तो मिनिमम नाइन बाय थ्री तो यहाँ पे हमारा कितना है तीन टर्न्स तीन फ्लिप्स की हमने तो नाइन डिवाइडेड बाय थ्री विच इज़ थ्री तो ये थ्री हमारा आंसर आ गया सिमिलरली ये के प्लस वन वाला इसमें भी देख लेते हैं तो ये वन बल्ब ऑन किया हमने एंड फोर बल्ब ऑन किया तो थ्री के प्लस वन वन एथ बल्ब हमें चूज करना है सो दैट वी कैन टॉगल तो ये हमने चूज़ किया तो क्या हुआ कि फर्स्ट पल्व वॉज वन एंड अगर के को टू रखते हैं तो फोर तो ये वही आ रहा है जो हमने सोचा था बट अब देर अ सिचुएशन इन विच एन इज़ नॉट डिविजिबल बाय थ्री इफ एन इज़ नॉट डिविजिबल बाय थ्री तब हम क्या करेंगे तो अभी जैसे हमने इसमें एक सिनारीो बनाया था वैसे यहाँ पे भी एक सिनारीो बना के देखते हैं ना तो अगर हम फाइव को ले लें फ़ाइव बल्ब्स ले लेते हैं फाइव इज़ नॉट डिविजल थ्री राइट तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव करेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव तो अगर ये बल्ब हमने चूज़ किया तो ये बल्ब चूज़ किया तो बाकी सब ऑन हो जाएंगे ये ऑन ये ऑन ये ऑन ठीक है लेकिन अगर अभी हम नेक्स्ट बल्ब चूज करते हैं नेक्स्ट बल्ब एज इन अगर हम फोर को चूज़ करते हैं बिकॉज वी वर से ना थ्री के प्लस वन करना है तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्री के प्लस वन सिनारिय वी हैव टू चूज़ फोर्थ बल्ब तो अगर फोर्थ बल्ब को चूज़ करते हैं तो ये बल्ब तो ऑन हो जाएगा ठीक है बट ये वाला जो बल्ब है दैट विल भी इन ऑफ स्टेट क्योंकि इसका कंडीशन चेंज हो जाएगा एंड ये भी ऑन हो जाएगा बिकॉज इनिशियल इट वॉज इन ऑफ स्टेट ठीक है तो अभी तक हमारे दो टॉगल हुए हैं दो टॉगल अब हमारा दो टॉगल में ये वाला जो फिफ्थ बल्ब है दैट इज़ इन ऑफ स्टेट तो अब हमें क्या करना होगा अब हम सोचते हैं कि और कुछ करते हैं अब हम इस वाले बल्ब की स्टेट चेंज करने के लिए हम फिफ्थ बल्ब को टॉगल करेंगे तो पहले हमने फर्स्ट बल्ब को टॉगल किया फिर फोर्थ को किया एंड देन विल टॉगल द एनथ बल्ब दैट इज़ फिफ्थ बल्ब इसको टॉगल किया तो इसकी स्टेट हो जाएगी ऑन एंड इसकी स्टेट हो जाएगी ऑफ तो ये ऑन ये ऑफ़ और इसकी भी ऑफ हो जाएगी बिकॉज टॉगल हो रहा है स्टेट्स राइट right? अब हम देखते हैं कि वन को तो हमने ऑलरेडी टॉगल कर दिया था तो लेट्स सी हम टू को टॉगल करके देखते हैं तो लेट्स टॉगल टू टू को टॉगल करेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ़ करेक्ट एंड ये हो जाएगा अगेन ऑफ़ ये ऑफ एंड दिस विल बिकम ऑन ठीक है ये ऑन हो गया दिस इज़ ऑन एंड दिस इज़ ऑफ़ करेंटली तो अब हम सोचते हैं अब हमारे पास ये तीन बल्ब हैं जो ऑफ हैं ठीक है अब हमें थ्री को टॉगल करना है तो ऑलरेडी टू टॉगल है वन टॉगल हो चुका है फोर टॉगल फाइव टॉगल थ्री टॉगल अब हम थ्री को टॉगल करते हैं थ्री को टॉगल करेंगे तो ये कट के ऑन हो जाएगा ये नेबरिंग है तो ये ऑन हो जाएगा ये नेबरिंग है तो ऑन तो हो जाएगा तो अब ये ऑन है ये ऑन है ये ऑन है ये भी ऑन है एंड ये भी ऑन है, है तो हमारे पाँचों के पाँचों बल्ब ऑन हो गए और हमें टॉगल कितने लगे हमें टॉगल लगे वन टू थ्री फोर फाइव दैट इज़ इक्वल टू एन एन बल्ब्स हैं एन टॉगल्स लगे तभी मतलब एन इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टॉगल्स विच वी नीड मिनिमम नंबर ऑफ टॉगल्स विच वी नीड टू टर्न द बल्ब ऑन टॉगल्स टू टर्न द बल्ब ऑन करेक्ट तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा अब आपने फाइव पे देख लिया यार फोर पे भी देख लेते हैं मतलब एक बार देख लेते हैं ना क्या पता मैं गलत बोल रही हूँ जैसे उसमें दो किया था इसमें भी दो बार करके देखते हैं तो वन टू थ्री फोर ये इजी रहेगा आपके लिए तो पहला हमने वन बल्ब चूज़ किया तो इफ़ यू चूज द वन बल्ब फर्स्ट बल्ब दैन इट विल टर्न ऑन दिस ऑन ऑन अब एज अ रूल एज अ थम्ब ऑफ रूल वी आर थिंकिंग टू चूज द फोर्थ बल्ब क्योंकि थ्री के प्लस वन बोला था ना मैंने तो थ्री के प्लस वन के हिसाब से वी आर चूजिंग द फोर्थ बल्ब अब फोर्थ बल्ब ने ख़ुद को ऑफ कर दिया इसको वन को ऑफ कर दिया एंड थ्री वॉज इनिशियली इन ऑफ स्टेट तो इसको ऑन कर दिया ठीक है अब हमारे वन टॉगल हो चुका है फोर टॉगल हो चुका है अब हम देखते हैं टू को टॉगल करके देखते हैं अब टू को टॉगल किया तो टू विल बिकम ऑफ ठीक है एंड दिस वन विल बिकम ऑन एंड दिस विल बिकम ऑफ ठीक है तो अभी हमारे पास ये ऑफ है ये ऑफ है ये ऑफ है तो अब थ्री को टॉगल कर लेते हैं अब थ्री को टॉगल किया तो ये हो जाएगा ऑन ये हो जाएगा ऑन एंड दिस विल ऑल्सो बिकम ऑन तो कितने टॉगल्स लगे चार टॉगल्स बल्ब कितने थे चार तो इफ़ एन इज़ नॉट डिविजिबल बाय थ्री देन विल बी रिक्वायरिंग एन टॉगल्स एंड इफ एन एन इज डिविजिबल बाय थ्री देन विल बी रिक्वायरिंग एन बाय थ्री टॉगल्स दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ टॉगल्स रिक्वायर्ड हमने जो पुरानी वीडियो की थी उसके अंदर क्या था कि वी हैड गिवन वी हैड बीन गिवन टू थाउजेंड फोटीन बल्ब एंड दो बल्ब तो ऑलरेडी ऑन थे दो हज़ार चौदह में से दो माइनस करेंगे दो हज़ार बारह आएगा एंड दो हज़ार बारह डिवाइडेड बाय चार हो रहा था इजिली अगर वो नहीं हो रहा होता तो हमें कोई और कंडीशन सोचनी पड़ती कि इफ़ इन केस एन इज़ नॉट डिविजिबल बाई फोर बट इसमें तो दिया ही था ना तो फिर क्यों दिमाग लगाना तो अब क्या है अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर एन इज़ नॉट डिविजिबल बाय थ्री एंड अगर इफ़ एन इज़ डिविजल बाय थ्री तो आई होप आपको समझ आ गया हो एंड अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ डो नॉट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में सो uh, so अगर और भी कुछ चाहिए तो लेट मी नो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प टिल देन कीप अवनिंग बाय।